अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ, आज फिर मोबाइल भूल गई थी क्या? अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। सिक्योरिटी 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 का कोई रिलेटिव है यहाँ? पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, किसी भी वक्त हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ सकता है। पेशेंट के करीबी की सिग्नेचर हमें चाहिए होगी कंसेंट लेटर पर। उनकी बेटी यहाँ मौजूद है, वो साइन करेगी। सर आप मुझे बताइए कहाँ साइन करना है? सॉरी बट अभी ये माइनर है, इनके पेरेंट्स या इनकी वाइफ। सर हम सब भी तो इनकी फैमिली है, हम साइन कर देते हैं। नहीं अब इट्स ओके डॉक्टर, मैं उनकी वाइफ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। ओके सर। हाँ बोलो जानकी। सर आप दो दिन से नहीं सोए हैं, आज आप थोड़ा सा रात में आराम कर लीजिए। आराम तो मैं कभी भी कर लूंगा जानकी, लेकिन ये रिएक्शंस होते हुए ना मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं अगर आराम करना है सोना है तो तुम जा सकती हो। वो तो ठीक है सर, बट मुझे लगता है कि आज रात आपको भी कुछ देर आराम करना चाहिए। हाँ जानकी, लेकिन मेरे सोने या ना सोने से ना इन प्लान्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके तुम जा सकती हो। गुड नाइट फॉर द डे। गुड नाइट सर। जानकी क्या हुआ, आज फिर मोबाइल भूल गई थी क्या? अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। और देखो रिएक्शन होने ही वाला है। तुम यहां कैसे और तुम अंदर कैसे? सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी।
मत। मम्मा जाओ आप आगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही थी ना, तुम अपने पापा की सबसे स्ट्रॉन्ग बच्ची हो और तुम अपने पापा से इतना प्यार करती हो, किसी की हिम्मत है तुम्हारे पापा को तुमसे छीनने की? रोते नहीं। विद्या मैम कैसे भागी चली गई? रिश्ता चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन गुजरा हुआ अच्छा वक्त हमेशा याद रहता है। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा प्यार, तो हमारे नसीब में तो सिर्फ इंतजार लिखा। क्राइम से फाइट करने वाला जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लेकिन क्राइम उसकी ठीक होने का इंतजार नहीं करेगी। कैसा क्राइम सर? आप किसी नए केस की बात कर रहे हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज आप मुझे 5 मिनट में आकर मिलिएगा। ठीक है सर। सर ईशा, आज मुझे मृत्युंजय की सबसे ज्यादा कमी खल रही है, पता नहीं क्यों, पर मैं एसटीटी को ये केस मृत्युंजय के बिना देने से डर रहा हूँ। सर हम लोग मृत्युंजय सर की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन जितना उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, वी विल नेवर लेट हिम डाउन, वी आर दी बेस्ट ऑफ हिम। मैं समझ सकता हूँ ईशा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा केस है। तुम 4 लोग बिना किसी टीम लीडर के इस केस को हैंडल कैसे करोगे? सर मृत्युंजय सर की क्वालिटीज हम चारों में है और ये केस मैं लीड करूंगी। अब बस केस के बारे में बताइए। वेरी गुड ईशा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं इस केस की डिटेल्स तुम्हें दूंगा, तुम अपना प्लान मुझे कल सुबह तक बता देना। अगर तुम्हारा प्लान मुझे ठीक लगा तो ये केस मैं तुम्हें सौंप दूंगा। थैंक यू सर। सर कभी सोचा नहीं था कि मृत्युंजय सर के बिना भी कोई केस सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मैं और गैरी एक बहुत अच्छी टीम है और महेंद्र और जया वो तो जहाँ पे भी जाएंगे या जहाँ भी रहते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सर ये केस हम मृत्युंजय सर के लिए सॉल्व करेंगे, उन्हें निराश नहीं करेंगे, ट्रस्ट अस। मैं समझता हूँ। थैंक यू सर। ईशा तुम डोमेस्टिक बायो रिसर्च सेंटर भोपाल, वहां के विजय वागी को जानती हो? यस सर। सर ये वही साइंटिस्ट है जिनके साथ साथ और 3 साइंटिस्ट को विज्ञान सेवा पुरस्कार मिला था और जिन्होंने प्लांट प्रोटीन की खोज की थी जो कैंसर के इलाज में काफी लाभदायक है। यस यू आर राइट, बट सैडली कुछ देर पहले उन्हीं की अपने लैब में उनकी मौत हुई है। कैसे सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, लेकिन हाँ प्रिलिमिनरी जांच से ये पता चला है कि ये मामला हार्ट अटैक का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला जैसे दिखता है वैसा नहीं है। क्यों सर? कुछ समय पहले देश के होनार साइंटिस्ट महेश सोलंकी की मौत भी कुछ ऐसे ही सस्पिशियस कंडीशन में हुई है। सर ये महेश सोलंकी वही हैं जो
चार साइंटिस्ट में से एक हैं, राइट, जिन्हें पुरस्कार मिला था लास्ट ईयर। यस, उनकी लाश भी लैब में मिली थी, जैसे डॉक्टर विजय की। इतने कम समय में देश के दो महान साइंटिस्ट की मौत उन्हीं के लैब में होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सर, ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि दो साइंटिस्ट की मौत हार्ट अटैक से हो जाए। और शायद नहीं भी, उन दोनों को मार दिया गया हो। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। तो सर, क्या यही वो केस है जो आप हमें सौंपना चाहते हैं? यस। डोंट वरी सर, हम मृत्युंजय सर की कमी कभी नहीं खलने देंगे। इन सब के पीछे जो भी मुजरिम होगा, हम उसे जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। गुड, गेट रेडी फॉर द प्लान। साहब, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं कर रहे हो। मैम, जब तक इनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर, समझने की कोशिश करें आप। लेकिन ऐसे कितनी देर इंतजार करेंगे? जब तक इनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इंतजार करें। अब पापा का क्या होगा? पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वानी, हमें काम करते हैं, घर चलते हैं और फ्रेश होकर वापस आ जाएंगे, ठीक है? मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा, मैं इधर ही रहूंगी। नहीं वानिया, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चे, पापा को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है? हम घर जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे, ठीक है? फ्रेश होकर वानिया। मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, तुम मम्मा के साथ जाओ और फिर वापस आ जाना। मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं रहूंगी मम्मा, प्लीज। पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम घर जाओ मामा के साथ। प्यारी, एक घंटे में टीम को लेकर मीटिंग रूम में मिलो, अर्जेंट है। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, हमें चलना होगा। ये चारों साइंटिस्ट डोमेस्टिक बायो रिसर्च सेंटर में काम करते थे। एक रिसर्च के लिए इन्हें विज्ञान सेवा का पुरस्कार भी मिला था, लेकिन चारों एक एक करके अलग होते गए। इनमें सबसे सीनियर है डॉक्टर विजय वर्गीय, डॉक्टर महेश सोलंकी जिनकी कुछ दिन पहले ही मौत हुई है, डॉक्टर सुमन शर्मा जो दिल्ली के एक प्राइवेट फार्मा कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, और डॉक्टर ईश्वर प्रधान जो मुंबई में अपना अलग से रिसर्च सेंटर चला रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर विजय वर्गीय वो भोपाल में रहकर ही रिसर्च कर रहे थे। इनफैक्ट उनकी असिस्टेंट के मुताबिक वो एक बहुत बड़ी खोज भी करने वाले थे, और उससे पहले उनकी मौत हो गई। मुझे लगता है उनका कोई साइंटिस्ट दुश्मन होगा जिसने उन्हें मरवा दिया। सभी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जो एक रिसर्चर की लाइफ में कॉमन है। लेकिन कुछ तो अनकॉमन है जो हमें ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि खोज होने की खुशी में उन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। महेंद्र, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब हमें पता करना पड़ेगा। मैम, हमारे पास प्लान क्या है? कृष्णन सर ने हमें सिर्फ डॉक्टर विजय वर्गीय के बारे में और डॉक्टर सोलंकी की मौत के बारे में बताया है, लेकिन मुझे लगता है हमें इन चारों की लाइफ के बारे में पता करना चाहिए। कहीं इन दोनों की मौत किसी साजिश के तौर पर हुई हो तो? इसका मतलब बाकी दोनों साइंटिस्ट की जान को भी खतरा है। एग्जैक्टली। हमें चार अलग अलग शहरों में जाकर इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ऐसा हमने पहले कभी भी नहीं किया है। मैं भोपाल जाऊंगी डॉक्टर विजय वर्गीय की डेथ और उनके सेंटर पर उनकी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और गैरी तुम मुंबई जाकर डॉक्टर प्रधान के बारे में सारी जानकारी निकालो। महेंद्र, तुम बिलासपुर जाओ और डॉक्टर सोलंकी की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। यस मैम।
और जया तुम दिल्ली में डॉक्टर सुमन पर पूरी नजर रखो, उनकी परछाई बन जाओ। इनफैक्ट अगर कोई साजिश नहीं है इन सबके पीछे तो ठीक, और अगर हुई तो फिर तो हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा केस होगा सॉल्व करने के लिए, और हम चारों मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। टीम, मुझे उम्मीद है कि हम सब ऐसा काम करेंगे कि मृत्युंजय सर को फक्र होगा हम पर। ऐसा ही करना है। कब निकलना है? सर आज, अभी। सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, ऑल द बेस्ट। सर इस ऑपरेशन की शुरुआत मृत्युंजय सर से ही होगी। गुड, यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू सर। गैरी, मुझे तुम्हें दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तुम जानते हो कि मृत्युंजय के बगैर ये जिम्मेदारी और भी मुझे मेरे से बढ़ जाती है। ईशा के कॉन्फिडेंस में मुझे पूरा भरोसा है, और उसने कहा है कि तुम और वो, यानी कि ईशा और तुम दोनों मिलकर एक अच्छी टीम हो। मेरे भरोसे को टूटने मत देना। मैं चाहता हूँ कि उसकी ये बात सच हो। हम आपको निराश नहीं करें। शाह मैडम ने ऐसा कहा? क्या कह रहे थे? उनको हम पर भरोसा है ना? भरोसा क्यों नहीं होगा? वो तो बस मुझे ऑल द बेस्ट कह रहे थे। अलग से? हाँ। आप और मैं काफी अच्छे हैं ना साथ में? एज अ टीम मेंबर। चले। तुझे पता है जब मैं और मृत्युंजय मिले तब मृत्युंजय नए नए आईपीएस बने थे, और हम आपने तभी शादी कर ली। शादी का तो तू पूछ ही मत, तेरे नाना जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी आईएएस से हो। मैंने मृत्युंजय को तैयार किया तेरे नाना जी से मिलने के लिए। सच में आपने पापा को रेडी किया था? हाँ। और मृत्युंजय ने वहां पर जाके सब उल्टा सीधा कर दिया सब कुछ। मुझे लगा था कि तेरे नाना जी की और मृत्युंजय की मुलाकात 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, पर घंटों तक बात करते रहे ये दोनों। बहादुर द ग्रेट हीरो है। बहादुर द ग्रेट हीरो वो एक कॉमिक बुक का हीरो था, और तेरे पापा रियल लाइफ के हीरो हैं। तुझे पता है वान्या, तेरे नाना जी और मृत्युंजय इन दोनों के फेवरेट थे सुभाष चंद्र बोस। रियली? सुभाष चंद्र बोस? हाँ। इन दोनों की पसंद मिल गई, तेरे नाना जी मान गए, और मेरी और मृत्युंजय की शादी हो गई। मेरे पापा भी तो अपने आइडियल की तरह ही है, सुभाष चंद्र बोस की तरह। क्या? कुछ नहीं। टेंशन मत ले, तेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैम। हाय ईशा। वी जस्ट नीड हिज बेस्ट विशेस मैम। या प्लीज प्लीज।
मामला बड़ा संगीन है क्या? नहीं, पहले मुझे गृह मंत्रालय से कॉल आया था और अब आपको भेजा गया दिल्ली से। देखिए मैडम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है, मौत की वजह यह हार्ट अटैक है। फिर क्यों परेशान हो रहे आप सब? यस ऑफिसर, सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करें, अब आदेश है तो मानना पड़ेगा, रिपोर्ट तो बनानी पड़ेगी ना। वैसे आपकी बात तो जायज है मैडम। हमें लैब के अंदर जाना होगा, उनके सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, इनफैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी चाहिए मुझे, और इस केस से जुड़े ऑफिस और घर के सारे इम्पोर्टेंट कागजात चाहिए मुझे। चिंता मत कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। आइए, देखिए पहले तो शुरुआत ऐसे करते हैं। रश्मि नेहवाल फ्रॉम SNN न्यूज। ओके मैम, मुझे डॉक्टर प्रधान का इंटरव्यू चाहिए था, और वो भी लैब में। लैब में क्यों? मैम, जो लैब का फील होता है ना, वो बहुत ऑथेंटिक होता है, कैमरा पर काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो फील जरूरी है। इट्स ओके, सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम। व्हाट? रश्मि नेहवाल। रश्मि इस तरह अभी बिजी हैं, तो आई एम सो सॉरी, अभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जी कौन? महेश सोलंकी जी। जी नमस्ते, मुझे डॉक्टर आहूजा ने भेजा, वो खुद आना चाहते थे मगर खराब सेहत होने की वजह से आ नहीं सके, तो इसलिए। शुक्रिया आपके आने का, लेकिन माफ करना, मैं डॉक्टर आहूजा को नहीं पहचानती, कभी मिस्टर सोलंकी से उनका जिक्र नहीं सुना। अचानक इतना परेशान क्यों लग रही है? ये किसका कॉल हो सकता है? हाय, आई एम सो सॉरी। By the way, आप सिर्फ बोरिंग साइंटिस्ट लोगों का इंटरव्यू लेती है या किसी हैंसम हंक का भी इंटरव्यू लेती है? हैंसम हंक? मैं सिर्फ अचीवर्स का इंटरव्यू लेती हूँ, और मेरे अचीवर्स बोरिंग नहीं होते। Got it? Got it, ma'am. रश्मि नेहवाल, हाय, मुझे डॉक्टर प्रधान से मिलना। ओके सर, आपका नाम? मैं अपॉइंटमेंट्स में चेक करके बताती हूँ आपको। मैं रिम्बो फार्मास्यूटिकल कंपनी से हूँ। ओके, आपने सुना? यस। गुड, एक्चुअली हम एक टॉप सीक्रेट फार्मा कंपनी से और एक टॉप सीक्रेट डील करना चाहते हैं डॉक्टर प्रधान के साथ, और मैं अपॉइंटमेंट लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता।
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैम. आप बस उन्हें बता दीजिए कि मैं रिम्बो फार्मा कंपनी से. ओके जस्ट अ सेकेंड. यस प्लीज. एक्सक्यूज मी सर. यस आप अंदर जा सकते हैं. थैंक यू. एक्चुअली मिस्टर सोलंकी और आहूजा सर जो हैं वो भोपाल में एक साथ थे, तो उसके बाद आहूजा सर जो हैं वो दिल्ली आ गए, तो वहाँ पे अपनी रिसर्च करने लगे, तो हो सकता है कभी जिक्र ना किया हो आपसे उस बारे में. आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना. जी नहीं बस शुक्रिया. आप कितनी अजीब दुनिया है, यहाँ उनके इतने करीबी दोस्त थे लेकिन मुश्किल से ही कोई आया, और उधर डॉक्टर आहूजा जिनका कभी जिक्र भी नहीं सुना था उन्होंने हमें याद रखा और ये फूल भेजे. बात तो सही है आपकी, ऐसा पूछना नहीं चाहिए इस मौके पर, लेकिन क्या हुआ था अचानक से उन्हें. पूरी बात तो हमें भी नहीं पता, हमेशा की तरह सुबह नाश्ता करके निकले, लैब पहुंचे, अपना कुछ रिसर्च का उनका काम चालू था, अचानक हमें शाम को फोन आया. हेलो बस अब बहुत हो गया, मैं और नहीं कर सकती. ओके मैं अभी आती हूँ वहाँ. अरे आप दोनों को यहाँ लैब में क्या मिलेगा, वैसे भी मुझे डॉक्टर की रिसर्च आगे बढ़ानी है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर लेंगे. इसका पासवर्ड क्या है? मैम पासवर्ड तो डॉक्टर किसी को शेयर नहीं करते. ये किसकी फोटो है? ये उनकी बेटी निशा है. निशा ये आप क्या कर रही है मैम? के पीछे जाना होगा. ऑटो जल्दी जल्दी करो. वो गाड़ी का पीछा सामने.
इंस्पेक्टर भरत, yes. मुझे यहाँ क्राइम साइट पर एक फॉरेंसिक टीम चाहिए। काफी लोग अब तक आ जा चुके होंगे यहाँ पर, फिर भी शायद कुछ मिल जाए। एक एक मिनट, क्राइम साइट, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है कि ये क्राइम साइट है? पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग डॉक्टर विजय वर्गीय की डेथ किस टाइम पर हुई थी? रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत रात को करीबन 11:30 बजे के करीब हुई थी। सर, उस वक्त तो मैं घर चली गई थी। गुड नाइट सर। मेरा मतलब है मैं निकल गई थी यहाँ से 11:45 पर उनके लैपटॉप से फाइल ट्रांसफर हुई और फिर डिलीट भी की गई। डॉक्टर विजय वर्गीय को पहले मारा गया, फिर उनके लैपटॉप से फाइल चुराई गई, इसलिए क्राइम साइट है। May I come in? Oh, yeah, please. Rainbow Pharma, right? Yes, yes. Yeah. I see you have something for me. Please be comfortable. Nice, interesting. So, आपकी कंपनी जो है अपने मोटापा कम करने की दवाई ढूंढ ली है। जी, ग्रेट। और उसकी पूरी टेस्टिंग आप यहाँ हमारे लैब में करना चाहते हैं बिफोर लॉन्चिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, देखिए मैं एक बिजनेसमैन और ये रिसर्च और छानबीन का मुझे नॉलेज नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कह सकता, ये दवाई पूरी दुनिया भर में छा जाएगी, स्पेशली बाहर के देशों में। वहाँ मोटापे को लेके बहुत परेशान है लोग, साहब की थोड़ी सी मदद चाहिए। मोटापे को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ। और आप हमें इस रिसर्च के लिए $50,00,000 दोगे? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये टेस्ट पूरा होने तक मेरी पूरी टीम इस लैब में काम करेगी। बस, that's a no issue, वो हो जाएगा। So deal? Yeah, it's a great deal. Oh, that's deal. Great. Thank you. जहाँ हो वहीं खड़े रहो। पीछे जाओ। ये सब क्या है डॉक्टर साहब?
क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तुम हो कौन? मेरे पीछे क्यों पड़ा बताओ? आपके पीछे मैं तो आपसे अभी आया ना मिलने के लिए। अभी? हाँ, सच बताओ, तुम वही स्पाई गैंग से हो ना जो मेरे पीछे पड़ी है? स्पाई? मैं तो बिजनेसमैन हूँ सर, हमने तो अभी बात की ना सर। Do you think I'm a fool? Am I a fool? नहीं, तो सब आप गलत समझ रहे हो मुझे। अरे आराम से डॉक्टर साहब, वरना ये हाथ ना काम करने के लिए नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुम हो कौन? बताता हूँ, सब बताओ। चलो ये बताओ, ये स्पाई गैंग क्या? कौन है ये लोग? बता दो। इसको पहले फॉलो करूं कि तो सुमन को फॉलो करूं? और जया तुम दिल्ली में डॉक्टर सुमन पर पूरी नजर रखो, उनकी परछाई बन जाओ। इनफैक्ट नहीं, ईशा मैम ने कहा था डॉक्टर सुमन की परछाई बनकर रहना। लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। हेलो, हाँ जी, आप बोलो। डॉक्टर सुमन की मौत हो गई है। क्या? लेकिन कब और कैसे? वो एक एनआरआई जैसा दिखने वाला आदमी आया था। तुम ऐसा करो, तुम उनके ऑफिस जाओ और वहां इन्वेस्टिगेट करो। ओके। जय, एक सेकेंड, गैरी का कॉलर है, जस्ट होल्ड। हाँ हाँ गैरी, क्या अपडेट है डॉक्टर प्रधान के लैब से? मैडम, ये मामला तो बहुत उलझा हुआ, किसी बड़े इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ लगता। लेकिन कैसे? गैरी एक मिनट, मैं महेंद्र और जया को भी कॉन कॉल पे कनेक्ट करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बोलो। यस गैरी, डॉक्टर सुमन की भी मौत हो गई है। पहले डॉक्टर सोलंकी, फिर डॉक्टर वर्गीय और फिर अब डॉक्टर सुमन। तीन शहर और देश के तीन बड़े साइंटिस्ट की मौत, ये किसी एक इंसान का काम नहीं लग रहा है। डॉक्टर सोलंकी ने भी मरने से पहले पुलिस कंप्लेंट की थी कि उन्हें स्पाई गैंग से खतरा है। जैसे ही यहाँ से एनआरआई गया, डॉक्टर सुमन की मौत हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। अब क्या प्लान है मैडम नेक्स्ट? ठीक है, मैं तुम लोगों को कॉल बैक करती हूँ। ओके। मृत्युंजय सर, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? डॉक्टर,
सिस्टर मेरे पापा को प्लीज वेट पर हुआ क्या है मैम इमरजेंसी अब अभी हम कुछ नहीं बता सकते मैम प्लीज मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज मैम प्लीज अब हम अपना काम करने दीजिए प्लीज मैम पापा को कुछ नहीं हो नहीं नहीं बेटा पापा को कुछ नहीं हो ठीक है देखो हटिए 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 प्लीज हटिए डॉक्टर साहब नर्स जल्दी से स्टेशन मंगवाओ हरी आप हटिए प्लीज हटिए इनको जल्दी से ओटी ले आओ हरी आप डॉक्टर साहब हुआ क्या है प्लीज कुछ तो बताइए आप हमें अभी इनकी सर्जरी करनी होगी पर क्यों सॉरी टू से बट ओनली 20% चांस अगर हमने अभी इनका ऑपरेशन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है मैम नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा कुछ नहीं हुआ ठीक है मृत्युंजय